हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। आप लोगों का जो आने वाली एग्ज़ाम है ना, एमआरबी का, तमिलनाडु की, या फिर आपका हरियाणा की, या फिर आपका एमपी की, या फिर सिपोही की, वो सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल आर ऑल एक्सेप्ट। इनमें से प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है हॉस्पिटल का, एक नहीं है, वो कौन सा है ना। तो हमारा ऑप्शन में क्या है, मेडिकल रिसर्च, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज़, या फिर पेशेंट केयर। तो कौन सा नहीं होगा, एक्सेप्ट बोला है, एक्सेप्ट बोला है तो कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, मेडिकल रिसर्च होगा ना। हॉस्पिटल फंक्शन में आ जाएगा, प्राइमरी हॉस्पिटल फंक्शन में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट भी है, पेशेंट केयर भी है, लेकिन प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज़ ये नहीं है, है ना। प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज़ ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काटगार्ड इज़ मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। किसकी इंटेस्टाइन से बनाया जाता है काटगार्ड, क्या हो गया आंसर, डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, हॉर्स या फिर शीप। क्या होगी करेक्ट आंसर, काटगार्ड इज़ मेड अप फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। किसके इंटेस्टाइन से बनाया जाता है, बताइए आप लोग, हमें बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सी होगा आंसर। यस, शीप की इंटेस्टाइन से बनाया जाता है, शीप की इंटेस्टाइन से बनाया जाता है ना, शीप की इंटेस्टाइन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पिसिलिन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पिसिलिन। क्या होगी एम्पिसिलिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्पिसिलिन क्या होगी, इंक्रीज होगी, या फिर आपका फास्ट रिड्यूस एंड देन इंक्रीज होगी, या फिर फास्ट इंक्रीज एंड देन रिड्यूस, या फिर रिड्यूस। क्या होगी करेक्ट आंसर, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पिसिलिन इज़ रिड्यूस। करेक्ट आंसर इज़ आपका रिड्यूस हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज़ आपका रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होम्योस्टेटिक फोर्सेप आर ऑल्सो नोन एज। होम्योस्टेटिक फोर्सेप आर ऑल्सो नोन एज, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगी करेक्ट आंसर, यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टरी फोर्सेप्स, आर्टरी फोर्सेप्स। होम्योस्टेटिक फोर्सेप्स को हम और क्या कहते हैं, आर्टरी फोर्सेप्स, आर्टरी फोर्सेप्स कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 50 बेडेड हॉस्पिटल। 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए बताइए। यस, 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए आपको 3 फार्मासिस्ट चाहिए, 3 फार्मासिस्ट चाहिए, है ना, 3 फार्मासिस्ट चाहिए। और आपका 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए कितना चाहिए, 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए आपको 5 फार्मासिस्ट चाहिए। 200 बेडेड के लिए कितना चाहिए, 200 के लिए आपका 8 फार्मासिस्ट चाहिए, 8 फार्मासिस्ट चाहिए। और 300 के लिए आपका कितना चाहिए, 300 के लिए आपका 10 चाहिए। और 500 के लिए आपका 15 चाहिए, 500 के लिए आपका 15 चाहिए। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए आपका कितना चाहिए, 3 चाहिए, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज, क्या होगी इसका आंसर, टेट्रासाइक्लिन क्यों मिल्क के साथ लेने के लिए मना किया जाता है, किस लिए मना किया जाता है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है, या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, या फिर एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड, या इनसॉल्युबल चिलेट इज फॉर्म्ड। क्या होगी करेक्ट आंसर? टेट्रासाइकिन आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज क्या होगी? बिकॉज इनसॉल्युबल चिलेट इज फॉर्म, इनसॉल्युबल चिलेट इज फॉर्म्ड, इनसॉल्युबल चिलेट इज फॉर्म्ड, इसलिए चिलेट इज फॉर्म्ड, इसलिए टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ नहीं दिया जाता है ना, मिल्क के साथ नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इंटेक ऑफ ए मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरापेटिक बेसिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? इंटेक ऑफ ए मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरापेटिक बेसिस इज कॉल्ड क्या कहेंगे? ड्रग ओवरडोज, ड्रग एब्यूज, पॉलीफार्मेसी, या फिर ड्रग ओवर यूज। क्या होगी करेक्ट आंसर? इसको हम क्या कहेंगे? यस, पॉलीफार्मेसी कहेंगे, पॉलीफार्मेसी कहेंगे, पॉलीफार्मेसी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is an important document for the hospital containing a collective list of drug? क्या होगी? कुछ क्या बोला क्वेश्चन में? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द हॉस्पिटल कॉन्टेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग। क्या होगी करेक्ट आंसर? ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, हॉस्पिटल रजिस्टर, फार्माकोपिया, या फिर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। क्या होगी, क्या होगी करेक्ट आंसर? Yes, hospital formulary is the correct answer. Hospital formulary is the correct answer. Hospital formulary is the correct answer. Important document of the hospital containing a collective list of drug is called hospital formulary. Hospital formulary. Next question देखेंगे। A type of non-staining iodine preparation is called क्या कहते हैं? Non-staining iodine preparation को क्या कहेंगे? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पोविडोन आयोडीन, बेंजोकेन, जेंटिन वायलेट, या फिर बीटा मिथियोनिन। क्या होगी करेक्ट आंसर? नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? यस, पोविडोन आयोडीन, पोविडोन आयोडीन। नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशन को क्या कहेंगे? पोविडोन आयोडीन। पोविडोन आयोडीन किस लिए यूज़ किया जाता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। पोविडोन आयोडीन किस लिए यूज़ किया जाता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। द कलर ऑफ द लेवल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी इज क्या होगी? क्या होगी? ब्लड ग्रुप बी का कलर क्या होगी? कौन सी कलर यूज़ किया जाता है? पिंक, येलो, ब्लू, या फिर व्हाइट। कौन सी कलर यूज़ किया जाता है? यस, पिंक कलर यूज़ किया जाता है, पिंक कलर यूज़ किया जाता है, पिंक कलर यूज़ किया जाता है। ब्लड ग्रुप बी के लिए आपका पिंक कलर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेनिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, है ना, कौन सी नहीं है बोला है। तो टेनिक एसिड क्या है? टेनिक एसिड यूनिवर्सल एंटीडोट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये भी यूनिवर्सल एंटीडोट है। पाउडर चारकोल क्या है? ये भी यूनिवर्सल एंटीडोट है। लेकिन EDTA हमारा यूनिवर्सल क्या यूनिवर्सल एंटीडोट नहीं है, यूनिवर्सल एंटीडोट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। और EDTA किसके पॉइजनिंग में दिया जाता है? लेड पॉइजनिंग में, लेड पॉइजनिंग में EDTA को दिया जाता है, लेड पॉइजनिंग में EDTA को दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन आर कॉल्ड क्या कहेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन को आप क्या कहेंगे? प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, या फिर लेटेंट इन्फेक्शन। क्या कहेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन आर कॉल्ड क्या कहेंगे? नोजोमियल इन्फेक्शन है ना। हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन आर कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू, वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू किस लिए होता है। अल्टरनेशन इन मोर्टेलिटी, अल्टरनेशन इन मेटाबॉलिज्म, अल्टरनेशन इन एक्सक्रीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट फॉर प्रोटीन बाइंडिंग साइट। क्या होगी करेक्ट आंसर। वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू हो जाएगा आपका अल्टरनेशन इन मेटाबॉलिज्म, अल्टरेशन इज मेटाबॉलिज्म इज द करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामाइड पैरासाइटिस पॉइजनिंग। क्या होगी, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामाइड पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में कौन सी दिया जाता है, कौन सी दिया जाता है एंटीडोट। क्या होगी इसका करेक्ट आंसर, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामाइड पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में आपका क्या दिया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट को दिया जाता है ना, एट्रोपिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बार्टन्स लाइन इज ए क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट व्हिच क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ, क्रॉनिक पॉइजनिंग किसके क्रॉनिक पॉइजनिंग से बार्टन लाइन आती है, मर्करी, लेड, बिस्मथ एंड आर्सेनिक। क्या होगी करेक्ट आंसर। बार्टन लाइन क्या है, वो टीथ में एक थिन लाइन से आ जाती है, ब्लू और ब्लैक, ब्लू ब्लैक एक थिन सा लाइन टीथ के बेस में आ जाती है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे बार्टन लाइन। ये किसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग से होती है, मरकरी की, लेड की या फिर बिस्मथ की या फिर आर्सेनिक की। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेड पॉइजनिंग, क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में हमें बार्टन्स लाइन दिया जाता है। बार्टन्स लाइन को भी बार्टोनिन लाइन भी कहा जाता है ना। तो क्वेश्चन में अगर बार्टोनिन पूछा गया है तो आपको आंसर करना है लेड आंसर करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलामाइन इज़ यूज्ड एज एन एंटीडोट इन द पॉइजनिंग ऑफ, पेनिसिलामाइन किसकी एंटीडोट है, आयरन, साइनाइड, मरकरी या फिर कॉपर एंड लेड। क्या होगी करेक्ट आंसर, पेनिसिलामाइन, आपका हो जाएगा किसके एंटीडोट, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कॉपर एंड लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रिपरेशन में लीड टू ए कंडीशन नोन एज, क्या कहेंगे, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रिपरेशन में लीड टू कंडीशन नोन एज, क्या कहेंगे इसको, यस आर्गेरिया कहेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रिपरेशन में लीड टू कंडीशन नोन एज आर्गेरिया, आर्गेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, में कौन सी टेबलेट लिया जाता है, पेंटोप्राजोल, एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक या फिर सेट्रीजिन। कौन सी टैबलेट लिया जाता है एम्प्टी स्टमक में, सेट्रीजिन क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, डाइक्लोफिनेक क्या है, एनएसआईडी है, एस्पिरिन एनएसआईडी है और पेंटोप्राजोल क्या है, पीपीआई है ना। तो एम्प्टी स्टमक में कौन सी लिया जाता है, पीपीआई लिया जाता है ना, पेंटोप्राजोल आपका आंसर हो जाएगा, पेंटोप्राजोल हो जाएगा है ना, पेंटोप्राजोल इज द करेक्ट आंसर। एम्प्टी स्टमक में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइसोनायाजिड फेनिटोन इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन फेनिटोन टॉक्सिसिटी इज ए रिजल्ट ऑफ, क्या होगा? इंटरेक्शन एसोसिएट विद डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेक्शन एसोसिएट विद एब्जॉर्प्शन, इंटरेक्शन एसोसिएट विद मेटाबॉलिज्म, या फिर इंटरेक्शन एसोसिएट विद एक्सक्रीशन। क्या होगी करेक्ट आंसर? आइसोनायाजाइड फेनिटोन इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन फेनिटोन टॉक्सिसिटी इज ए रिजल्ट ऑफ, क्या होगी? यस, इंटरेक्शन एसोसिएट विथ मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इंटरेक्शन एसोसिएट विथ मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शन एसोसिएट विथ मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, the term associated with the rapid onset and progress of a disease is termed as, rapid onset and progress of disease के इसको हम क्या कहेंगे? rapid onset and rapid progress, इसको हम क्या कहेंगे? यस, इसको हम एक्यूट कहेंगे, है ना। रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस, रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस इसको हम एक्यूट कहेंगे। रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस को हम एक्यूट कहेंगे। और क्रॉनिक आपको क्रॉनिक किसको कहेंगे? स्लो ऑनसेट एंड स्लो प्रोग्रेस, स्लो ऑनसेट एंड स्लो प्रोग्रेस को हम क्या कहेंगे? क्रॉनिक कहेंगे। कई भी डिजीज़ अगर स्लोली हो रहा है, स्लो प्रोग्रेस हो रहा है या फिर स्लोली चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉनिक डिजीज़, है ना। और सिस्टेमिक क्या कहेंगे? सिस्टेमिक जो बॉडी के अंदर इन्वॉल्व इन बॉडी, बॉडी सिस्टम, इन्वॉल्व इन द बॉडी सिस्टम, इसको हम सिस्टेमिक कहेंगे। और लोकल किसको कहेंगे? इन्वॉल्विंग ओनली ए पार्ट ऑफ द बॉडी, ओनली ए पार्ट ऑफ द बॉडी को हम लोकल कहेंगे ना, लोकल कहेंगे। और सिस्टेमिक हम कहेंगे इन्वॉल्विंग इन द बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम में जो होती है उसको हम सिस्टेमिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एक्यूट क्या है? रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस, इसको हम रैपिड कहेंगे, रैपिड डिजीज कहेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इथानॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ, इथानॉल किसकी पॉइजनिंग में दिया जाता है? इथानॉल किसके पॉइजनिंग में दिया जाता है? मिथानॉल, बारबिट्यूरेट, फिनॉल या फिर कार्बोलिक एसिड। क्या होगी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगी? यस, करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका मिथानॉल। मिथानॉल इज द करेक्ट आंसर, मिथानॉल इज द करेक्ट आंसर, है ना। मिथानॉल इज द करेक्ट आंसर, मिथानॉल इज द करेक्ट आंसर। इथानॉल एंटीडोट, इथानॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ मिथानॉल, मिथानॉल 22 में क्या है? ए चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग केस, कौन सी चिलेटिंग एजेंट दिया जाता है एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में? आयरन पॉइजनिंग में कौन सी दिया जाता है, कौन सी एजेंट दिया जाता है? सोडियम फॉस्फेट, आइमोप्राइल, फेरोन या फिर डेफोरोक्सेम, कौन सी होगी करेक्ट आंसर? Yes, ट्रेफोरेक्सिम इज द करेक्ट आंसर, ट्रेफोरेक्सिम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आयरन पॉइजनिंग में ट्रेफोरेक्सिम दिया जाता है, आयरन पॉइजनिंग में ट्रेफोरेक्सिम दिया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विथ, किससे ट्रीट किया जाता है पैरासीटामोल ओवरडोज? पैरासीटामोल का एंटीडोट कौन सी है, कौन सी होगी? यस, पैरासीटामोल के एंटीडोट हो जाएगी आपका एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन इज द करेक्ट आंसर, एन एसिटाइल सिस्टीन, है ना। पैरासीटामोल के एंटीडोट कौन सी है? एन एसिटाइल सिस्टीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। पैरासीटामोल के ओवरडोज से कौन सी एंटीडोट दिया जाता है? एन एसिटाइल सिस्टीन को दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओटीसी ड्रग्स आर क्या होगी, इथिकल ड्रग, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग या फिर इथिकल एंड प्रेस्क्रिप्शन ड्रग या नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग क्या होगी ओटीसी, ओवर द काउंटर है ना, ओवर द काउंटर ओटीसी क्या है, ओवर द काउंटर ड्रग आर क्या है, ये नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है है ना, ओटीसी ड्रग नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीटीसी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक काउंसिल प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन, क्या क्या रोल प्ले करती है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक काउंसिल, ड्रग सेफ्टी, एडीआर मॉनिटरिंग, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव, क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा पीटीसी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग सेफ्टी, एडीआर मॉनिटरिंग, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट, ये तीनों करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर है ना, ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ टू और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेनिंग सेम लेवल क्वांटिटीज ऑफ द ड्रग दे आर, क्या होगी, टू और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेनिंग सेम लेवल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग, इसको हम क्या कहेंगे, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट या फिर क्लिनिकल इक्विवेलेंट या फिर नन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, सम ड्रग कंटेन सेम लेवल क्वांटिटीज ऑफ द ड्रग, तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेयरमैन ऑफ पीटीसी कौन होती है चेयरमैन, फार्मेसी एंड थेरापेटिक काउंसिल के चेयरमैन कौन होती है, फार्मासिस्ट, फिजिशियन, हेड नर्स या फिर हेड फार्मासिस्ट, कौन होती है पीटीसी का चेयरमैन, यस पीटीसी का चेयरमैन हो जाएंगे आपका फिजिशियन, फिजिशियन इज द करेक्ट आंसर, फिजिशियन आपका पीटीसी के चेयरमैन है ना, फिजिशियन आपका पीटीसी के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएचसी स्टैंड फॉर क्या होगी, फार्मेसी हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर, फार्मास्यूटिकल हेल्थ सेंटर या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्या हो जाएगा, पीएचसी स्टैंड फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल एंटीडोट, इनमें से मैकेनिकल एंटीडोट कौन सी नहीं है, एग, फैट एंड ऑयल्स, चारकोल या फिर ईडीटीए, क्या होगी करेक्ट आंसर, यस ईडीटीए इज द करेक्ट आंसर हमारा। एग मैकेनिकल एंटीडोट है, फैट्स एंड ऑयल्स भी है, चारकोल भी है, लेकिन ईडीटीए नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, The advice given to the patient taking diazepam, taking patient को आपको क्या एडवाइस देना है, क्या एडवाइस देंगे आप दोस्तों, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग की एग्ज़ाम के लिए, आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग देखिए ज़रूर और कमेंट करके बताइए अगले वीडियो में आपको कौन सी टॉपिक का चाहिए है ना, आप लोग कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसे लगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है, तैयारी कैसे चल रही है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप डायज़ापाम ले रहे हैं ऐसे पेशेंट का, आप क्या देंगे एडवाइस, एडवाइस क्या देंगे? यूरिन कलर में चेंज, ड्रग में चेंज, ड्रॉजीनेस, या फिर कॉन्स्टिपेशन में औकार, या फिर डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, क्या देंगे? यस, आप एडवाइस देंगे ड्रग में कॉज ड्रॉजीनेस, ड्रग में कॉज ड्रॉजीनेस, है ना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।